और इन टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें मंदिर के बर्तन रखेंगे। ये देखिए सारे बर्तन एडजस्ट कर दिए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे जितने में बर्तन पूरी तरह से पानी में डूब जाएं। अब ढक्कन लगा देते हैं और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। लगभग 4 सीटी लगा लेंगे। ये चौथी सीटी आ गई है, गैस बंद कर देते हैं। अब इसे एकदम ठंडा होने तक ऐसे ही रहने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, इसे खोलते हैं। ये देखिए ये कलश है, ये काफ़ी चमक गया है। ये दीपक, रोली चंदन पात्र, ये बड़ा दीपक, सभी बर्तन चमक गए हैं। ये घंटी देखिए कितनी काली पड़ गई थी, ये भी चमक गई है। आपने देखा, ये कोई ट्रिक या जादू नहीं है। ये सारे बर्तन टमाटर के खट्टेपन की वजह से चमक गए हैं। आप चाहें तो इस पानी का यूज़ और कोई बर्तन चमकाने के लिए भी कर सकते हैं। और इन टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें मंदिर के बर्तन रखेंगे। ये देखिए सारे बर्तन एडजस्ट कर दिए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे जितने में बर्तन पूरी तरह से पानी में डूब जाएं। अब ढक्कन लगा देते हैं और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। लगभग 4 सीटी लगा लेंगे। ये चौथी सीटी आ गई है, गैस बंद कर देते हैं। अब इसे एकदम ठंडा होने तक ऐसे ही रहने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, इसे खोलते हैं। ये देखिए ये कलश है, ये काफ़ी चमक गया है। ये दीपक, रोली चंदन पात्र, ये बड़ा दीपक, सभी बर्तन चमक गए हैं।
ये घंटी देखिए कितनी काली पड़ गई थी, ये भी चमक गई है। आपने देखा, ये कोई ट्रिक या जादू नहीं है। ये सारे बर्तन टमाटर के खट्टेपन की वजह से चमक गए हैं। आप चाहें तो इस पानी का यूज़ और कोई बर्तन चमकाने के लिए भी कर सकते हैं। और इन टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें मंदिर के बर्तन रखेंगे। ये देखिए, सारे बर्तन एडजस्ट कर दिए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे जितने में बर्तन पूरी तरह से पानी में डूब जाएं। अब ढक्कन लगा देते हैं और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। लगभग 4 सीटी लगा लेंगे। ये चौथी सीटी आ गई है, गैस बंद कर देते हैं। अब इसे एकदम ठंडा होने तक ऐसे ही रहने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, इसे खोलते हैं। ये देखिए, ये कलश है, ये काफ़ी चमक गया है। ये दीपक, रोली चंदन पात्र, ये बड़ा दीपक, सभी बर्तन चमक गए हैं। ये घंटी देखिए कितनी काली पड़ गई थी, ये भी चमक गई है। आपने देखा, ये कोई ट्रिक या जादू नहीं है। ये सारे बर्तन टमाटर के खट्टेपन की वजह से चमक गए हैं। आप चाहें तो इस पानी का यूज़ और कोई बर्तन चमकाने के लिए भी कर सकते हैं। और इन टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें मंदिर के बर्तन रखेंगे। ये देखिए, सारे बर्तन एडजस्ट कर दिए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे जितने में बर्तन पूरी तरह से पानी में डूब जाएं। अब ढक्कन लगा देते हैं और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। लगभग 4 सीटी लगा लेंगे। ये चौथी सीटी आ गई है, गैस बंद कर देते हैं। अब इसे एकदम ठंडा होने तक ऐसे ही रहने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, इसे खोलते हैं। ये देखिए, ये कलश है, ये काफ़ी चमक गया है। ये दीपक,
रोली चंदन पात्र, ये बड़ा दीपक, सभी बर्तन चमक गए हैं। ये घंटी देखिए कितनी काली पड़ गई थी, ये भी चमक गई है। आपने देखा, ये कोई ट्रिक या जादू नहीं है। ये सारे बर्तन टमाटर के खट्टेपन की वजह से चमक गए हैं। आप चाहें तो इस पानी का यूज़ और कोई बर्तन चमकाने के लिए भी कर सकते हैं। और इन टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें मंदिर के बर्तन रखेंगे। ये देखिए, सारे बर्तन एडजस्ट कर दिए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे जितने में बर्तन पूरी तरह से पानी में डूब जाएं। अब ढक्कन लगा देते हैं और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। लगभग 4 सीटी लगा लेंगे। ये 4थी सीटी आ गई है, गैस बंद कर देते हैं। अब इसे एकदम ठंडा होने तक ऐसे ही रहने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, इसे खोलते हैं। ये देखिए, ये कलश है, ये काफ़ी चमक गया है। ये दीपक, रोली चंदन पात्र, ये बड़ा दीपक, सभी बर्तन चमक गए हैं। ये घंटी देखिए कितनी काली पड़ गई थी, ये भी चमक गई है। आपने देखा, ये कोई ट्रिक या जादू नहीं है। ये सारे बर्तन टमाटर के खट्टेपन की वजह से चमक गए हैं। आप चाहें तो इस पानी का यूज़ और कोई बर्तन चमकाने के लिए भी कर सकते हैं। और इन टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें मंदिर के बर्तन रखेंगे। ये देखिए, सारे बर्तन एडजस्ट कर दिए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे जितने में बर्तन पूरी तरह से पानी में डूब जाएं।
अब ढक्कन लगा देते हैं और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। लगभग 4 सीटी लगा लेंगे। ये चौथी सीटी आ गई है, गैस बंद कर देते हैं। अब इसे एकदम ठंडा होने तक ऐसे ही रहने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, इसे खोलते हैं। ये देखिए, ये कलश है, ये काफ़ी चमक गया है। ये दीपक, रोली चंदन पात्र, ये बड़ा दीपक, सभी बर्तन चमक गए हैं। ये घंटी देखिए कितनी काली पड़ गई थी, ये भी चमक गई है। आपने देखा, ये कोई ट्रिक या जादू नहीं है। ये सारे बर्तन टमाटर के खट्टेपन की वजह से चमक गए हैं। आप चाहें तो इस पानी का यूज़ और कोई बर्तन चमकाने के लिए भी कर सकते हैं।